हाय, अब हम पार्ट टू वीडियो कर रहे हैं वन स्ट्रोक में। तो मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ, आप लोग देखिए। ये देखिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट टू करेंगे। यहाँ हमने कैमलिन चार ब्रश यूज़ किए हैं, 6 नंबर और 4 नंबर, ओके। और फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स। तो अब हम इसे थोड़ा सा पानी में डुबो के लेना, फिर एक टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा ऐसे करके लेना, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ले रही हूँ। थोड़ा सा येलो कलर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा व्हाइट और येलो लेके यहाँ से देखिए, ये जो है ऐसे करना। फिर उसके बाद सॉरी, मैं यहाँ देखिए थोड़ा ग्रीन और येलो ले रही हूँ। और हम यहाँ से यहाँ पे देखिए थोड़ा
देखिए इस तरह कर लेना। ये मैंने 4 नंबर ब्रश को यूज कर रही हूँ। अब हम यहाँ वाइट कलर ले रहे हैं और इसे एक सेकेंड है, थोड़ा सा सूख गया वो कलर, थोड़ा ले लेती हूँ मैं निकाल के। इसे पानी में भिगो के लेना ब्रश को, और थोड़ा सा पानी ऐसे करके निकाल देना। उसके बाद देखिए ये कलर ऐसे लेना एक साइड में और ऐसे करना, इसे साइड में लेना थोड़ा सा और इसे ऐसे करना, ठीक है। और यहाँ पे शायद आपको वहाँ मार्किंग नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए यहाँ ऐसे करना। ठीक है, उसी तरह दूसरी दिशा में यहां पर भी ये स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन, देखिए ऐसे। ओके, अब यहां से देखिए यहां रखते हुए थोड़ा सा एंगल में ऐसे करके घुमाना। अब दूसरी बार जब हम ब्रश को ये करेंगे तो देखिए जहाँ पे कलर है ना वो यहाँ पे पीछे की साइड पे रखना, और यहाँ से और एक बार करना ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। सिंपल करके मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा देखिए इसे यहाँ से हल्का सा इसे शेप देते हुए कर ऐसे लेके आइए, और यहाँ पर भी सीधा न लाए, थोड़ा सा कर्व दे दीजिए यहाँ। ओके, अब देखिए यहाँ ये ऐसे हो गया कर्व, तो
ये कलर जो था नीचे की तरफ था ना, उसे ऊपर की तरफ कर लीजिए। और यहाँ से और एक बार ऐसे कर दीजिए, तो ये नीचे का बेस नज़र आएगा। हम्म, अब आपको देखिए ऐसे, हम्म, अब इसे थोड़ा ऐसे करके लेना। और यहाँ पर थोड़ा लाइट लेना हो कलर, देखिए एकदम इस पे एकदम कम है ना, ऐसे लेके थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे घुमा दो। हम्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क ले लीजिए ऐसे कलर, देख के ऐसे डार्क ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, हल्का हल्का सा ऐसे कर दीजिए। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छे लग रहे हैं तो देखिए, अब हमें यहाँ से देखिए ग्रीन को मैं नीचे रख रही हूँ ताकि हमें ग्रीन डार्क ग्रीन लाइन आएगी ऐसी। हम्म, फिर हम यहाँ से देखिए ऐसे करते हुए इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के आहिस्ता से ऊपर उठाना, देखिए ऐसे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इस तरह आपका एक सिंपल इजी टेक्निक में आप फ्लावर पॉट भी बना सकेंगे। ज़रूर बनाना आप लोग, और हमें बताना आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ अब इस दिशा में आप इसे घुमा के घुमाते हुए भी आप कर सकते हैं, पेपर को आप कैनवास बोर्ड पे भी इसे कर सकते हैं। हम्म, देखिए ऐसे ठीक है। हमने कैसे किया ये देखिए, ऐसे लिया इसे पेटल कैसे किया देखिए, ऐसे है ना, थोड़ा इसे दबाना है और फिर खींचते जाना, और ये जो है इसे स्ट्रेट कर देना देखिए ऐसे। हम्म, ब्रश को तो ब्रश को अच्छे से लोड करके लेना चाहिए, नहीं तो बीच में ये कलर छूट जाता। हम्म, ठीक है, आपको यहाँ पर भी अगर
पेटल दिखाना है तो ऐसे नीचे यहाँ पे पेटल दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह करना है। अब हम एक थोड़ा सा व्हाइट कलर लेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो टिप है ना, ये टिप पे लेंगे ऐसे व्हाइट कलर, और फिर देखिए यहाँ एक ऐसे एक डॉट करेंगे, यहाँ से एक सीधा ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ऐसे करेंगे ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन करेंगे यहाँ ऐसे, और फिर यहाँ एक तीन चार छोटे छोटे थोड़ा डॉट्स करेंगे। आप लाइनर भी यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लाइनर। इससे नहीं हो रहा है तो आप लाइनर यूज कीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए जो लाइनर ब्रश है ना, वो लेके भी आप इसे कर सकते हैं। ओके, अब हमें देखिए बड़ा ब्रश यूज कर रही हूँ मैं, थोड़ा पानी में डुबो के लिया और यहाँ पे निकाल दिया पानी। अब मैं देखिए ऐसे येलो कलर ले रही हूँ, इसमें है पानी, थोड़ा सा मैंने निकाला है, ठीक है। अब इसे ऐसे करके यहाँ पे आपको चाहे तो यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे है ना थोड़ा सा, देखिए ऐसे साइड में ऐसे हाईलाइट कीजिए, तो ये जो है फ्लावर पॉट वो ज़्यादा उभर के आएगा।
यहाँ पे ये जो कलर है ना, मैं सिर्फ यहाँ टिप पे ले रही हूँ। हाँ देखिए, ऐसे जैसे हमने फ्लावर पॉट बनाया था ना, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ टिप पे ले रही हूँ। और ये लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए, देखिए ऐसे, ठीक है। फिर उसे थोड़ा ऐसे करते जाएंगे तो लाइट होता जाएगा और ब्लेंड हो जाएगा इसके साथ। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पे ये डार्क कलर है ना, ये ले रही हूँ। थोड़ा सा ब्रश देखिए ऐसे नजर आ रहा है, देखिए ऐसे साइड पे लिया है मैंने। और यहाँ पे सॉरी, देखिए ठीक है। आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो ब्राउन भी शायद अच्छा लगे। देखो चलो हम थोड़ा सा ब्राउन लेते हैं। देखिए ब्रश को हमने धो लिया, इस तरह हल्के से पानी को निकाल लिया और यहाँ ब्राउन कलर ले रही हूँ और फिर उसे ऐसे कर रही हूँ। देखिए एक साइड में ले रही हूँ मैं सिर्फ, हाँ एक ही साइड में ले रही हूँ, पूरा ब्रश में नहीं है कलर, एक साइड में मैंने लिया है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ठीक है। अब आप इसी को थोड़ा यहाँ देखिए ऐसे शेड करते जाना। यहाँ देखिए ब्राउन कलर ऐसे लिया मैंने, अब इसी को हम हल्का हल्का यहाँ पे शेडिंग कर देंगे। थोड़ा पानी मिक्स करके कीजिए तो इस तरह करना। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ थोड़ा सा हमें डार्क कलर करना है, बताती हूँ। देखिए ये जो है यहाँ ऐसे
जरूर आप लोग कमेंट करना, अच्छे अच्छा लगा है तो लाइक भी करना, तो हमें स्फूर्ति मिलती है और भी करने के लिए कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ओके। एक शैडो बता देना ऐसा थोड़ा, ये लीजिए। ठीक, बाय। और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको करके दूँ, बताऊँगी।